माय डियर स्टूडेंट, आप आ चुके हैं ना। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप नहीं तैयारी करेंगे तो कब करेंगे तैयारी, अगर आपकी अब नहीं है तो फिर हो भी नहीं पाएगी। अगर आप तैयारी थोड़े से अगर आप पास होना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इतना मार्क मेरा आएगा और इसके बाद भी अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो क्या करिए, इन टिप को फॉलो करिएगा और जो बता दूँ उसको भी करो। मैंने पिछली वीडियो बनाया था उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चेक कर लेना। और एक बात बता दूँ, अगर आप अभी भी टाइम बेकार कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है एक बार लौट के आए ना। अगर आप क्या करते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तब आपके लिए नुकसानदायक होगा, आप उसको उतना खेलें जितना कि आपको लगे। क्योंकि आप ये बात समझ लेना कि उसमें अगर आपको बन रहा है कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ क्रिकेट में, तब आप उसको फॉलो कीजिए, अन्यथा आप मनोरंजन के लिए अपने टाइम को, टाइम थोड़ा सा पास करने के लिए आप उसको खेल सकते हैं। अगर क्योंकि वो आपको मैं देखा जाए तो उसमें पोस्ट कितनी होती है, आपको पता है कि 11 पोस्ट होती है, 11 पोस्ट आपको इंडिया में कितने लोग मिलेंगे खुद सोचिए। तो आप क्या करिए, ऐसी पोस्ट ढूंढिए जिसमें कि बहुत सारे सीटें हों, बहुत सारे अच्छे हों और अच्छे से भी इज्जत भी मिलेगी और हर एक चीज़ पैसे भी मिलेंगे और अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आप फॉलो करिए, क्योंकि आपको खेलना है बस उतना जितना आपका टाइम मिले थोड़ा सा, बाकी आपको पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। अभी तो आपको जरूर देना, बाकी बाद में फिर खेलिए, लेकिन अभी आपको पढ़ाई ध्यान देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊँगा, उन टिप्स को जरूर देखिएगा और अच्छी तरीके से अमल कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक बार चेक करिएगा सारे सब्जेक्ट की, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, ओके। तो यहाँ पर मैं जो बताऊँगा वो सारी चीज़ ध्यान देना। मैं वैसे भी पहले बता देता हूँ आपको क्या करना है, अभी जो टाइम बचा हुआ है तो आप एक बार क्या करिए, पूरी जो बुक है एक बार देख लीजिए, कौन कौन से पार्ट सरल हैं, कौन से कठिन हैं, उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। और जो भी चीज़ें आपका कठिन थी उसको अभी एक बार कहीं पर डाउट आप क्लियर कर लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए। और जो आपने पढ़ा हुआ अभी तक उसको एक बार रिवीजन करके देखिए कि आपको आ रहा है कि भूल गए। जो भी सब्जेक्ट कठिन है उस पर थोड़ा सा जोर दे दीजिए जिससे कि आपका वो आ जाए। और जो आपने पढ़ा है सरल लग रहा है उसको भी एक बार देख लीजिए, अन्यथा उसको भी भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ये बहुत आता है मैं इसको छोड़ दूँ, सारे सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है। और जो सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है उसको थोड़ा सा कम करके, और जो सब्जेक्ट कम आ रहा है उस पर ज़्यादा आप जोर दे दीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं तो वैसे भी डिस्कशन अभी कर दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा और यहाँ पर भी मैं बोलता रहूँगा, ओके। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ओके। आप देखते रहिएगा, स्क्रीन पर आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यूपी बोर्ड में 10 की तैयारी करने के जो टिप हैं वो सभी आप यहाँ पर देखेंगे। टिप क्या है कि सबसे पहले नंबर, आपने जो नोटबुक तैयार किया, आपने नोटबुक तैयार किया है तो नोटबुक क्या करना है, अपनी नोटबुक को, सभी नोटबुक को एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। अपनी नोटबुक का आखिर क्या है, नोटबुक में हमने क्या लिखा था, क्या क्या चीज़ें हमें पॉइंट्स बना के लिखे थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद लिखा गया आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों के लिए अलग अलग नोटबुक रखनी चाहिए। जो आपने नोटबुक बनाई थी उसको अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग जगह पर आपको सेट करके रखना, ऐसा नहीं कि एक में ही सबने बनाया, अगर एक में बनाया तो आप पढ़ते टाइम डिस्टर्ब करेगा। तो वो अलग अलग नोटबुक बनाए हैं, तो अलग अलग नोटबुक को आप क्या करिए, उसको एक एक करके निकाल लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कर देना। उसके बाद क्या है कि सभी बिंदु, बोला जा रहा है कि अध्ययन में सभी बिंदु, प्रश्न, उनके उत्तर, महत्वपूर्ण सूत्र, प्रमेय और अपनी भाषा में लिखें। जो आपके प्रमेय होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उसको एक बार आप रिवीजन करिए, अपनी भाषा में लिख करके एक बार तैयार करिए, जिससे कि आपको परीक्षा के समय भूले ना। तो उनको आप छोटे छोटे बिंदु में, प्रश्नों को एक बार तैयार कर लीजिए, उसको पॉइंट्स बनाकर, और उनको छोटे छोटे बिंदुओं में, और सूत्र को, जो प्रमेय है, उन सभी को आपको तैयार कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। और जो है पाठ्यक्रम को आपकी बार देख लेना है कि कैसे क्या था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो नोटबुक बनाए थे उसको आप दोहरा लीजिए। उसके बाद अब क्या है, देर रात तक अध्ययन करें। अभी क्या है, एग्जाम है तो आपको इतना रात तक अध्ययन करें, एग्जाम आ गया, प्रेशर आ गया आपको, तो आप एग्जाम के लिए आप रात भर जागे, क्योंकि अगर एक दिन रात भी जागे दूसरे दिन आपको नींद आने लगी या आपको तमाम परेशानी होने लगी कि आपकी बॉडी में बहुत प्रकार की समस्या भी आ सकती है। इसलिए आप अधिक से अधिक आप क्या करें कि देर रात तक ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है ना। और क्या है कि नींद के झोंके में आ रहे होंगे तो आपको कि सोच रहे हैं कि नींद नहीं लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, लाभ नहीं आपको नुकसान भी होगा। तो आप इतना पढ़ें, शेड्यूल बना लीजिए, मैंने शेड्यूल की वीडियो बनाया, शेड्यूल बनाइए, कम से कम आप 10 बजे तक इधर सोइए, मतलब पढ़िए, अगर हो सकता है तो 11 बजे तक, क्योंकि अधिक से अधिक ज़्यादा भी पढ़ना नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैनल वाले हैं बता रहे हैं कि आप बहुत पढ़िए, क्या फ़ायदा है, आप इतना पढ़ेंगे नुकसान कर जाएगा ना। आप इधर आप 10 बजे तक 11 तक पढ़ें, उधर आप 4 बजे उठ जाइए ना, 3 बजे 4 बजे उठ जाइए, सुबह का टाइम आपको बहुत बेटर होता है, आप पढ़िए फिर उधर से ना, इधर आप सोइए उधर पढ़िए, आपका क्या होता है, एकदम दिमाग शांत हो जाता है उधर पढ़ने के लिए। तो ये करना है।
उसके बाद देर रात तक अध्ययन न करें, ये हो गया। मन को तरोताज़ा रखने के लिए 20-25 मिनट के छोटे छोटे अंतराल में अध्ययन करें और उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। अगर आपको मन को अच्छे तरीके तरोताज़ा करना है तो आप क्या करिए, 20-25-30 मिनट का आप एक शेड्यूल बनाइए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, कुछ भी करें, नाश्ता पानी कुछ भी करें इस तरीके से। अगर आपको नींद भी आ रही है तो आप 10-20 मिनट थोड़ा सा आप झपकी लेकर के नींद भी ले सकते हैं, पर इतना नहीं सोना है कि आपको सो ही जाएं, थोड़ा सा सो सकते हैं अगर आपको नींद आ रही है, क्योंकि नींद अगर आ रही हो तो सोना पड़ेगा, अगर नहीं सोएंगे तो पढ़ाई भी नहीं आएगी, तो ये आपको जरूर रखना है। और ठीक है, ब्रेक लेना है, कुछ खा पी लेना है, थोड़ा सा टहल लेना है, फिर से आके आप बैठ जाना है, आधे घंटे एक घंटे का ब्रेकअप ले लीजिएगा, बीच में आप एक घंटे बाद 5 मिनट का 10 मिनट का अधिक नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पढ़ते समय हेडफोन का प्रयोग ना करें, गाने सुनने क्योंकि इससे ध्यान भंग होगा, ठीक है। अब ये होगा कि आपको गाना सुन रहे हैं और हेडफोन लगाए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग इतना ना करें, क्योंकि इससे आपका ध्यान जो होगा वो विचलित हो जाएगा। और क्या है, फ्लैश कार्ड बनाए और अध्ययन कक्ष में जाएगा, जो फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं, फ्लैश कार्ड आप लगा लीजिए कि हमें ये पढ़ना है, इतना टाइम ये पढ़ना है, उतना टाइम ये पढ़ना है, तमाम चीज़ें इसको आप बना सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ें इतने टाइम तक पढ़ना है और यही पढ़ना है और ये प्रश्न पढ़ना है। इसका जो फ्लैश कार्ड आप बना लीजिए छोटे छोटे में चिपका दीजिए, याद रहता है, इससे आपको क्या होता है, रिकॉल होता है कि यहाँ पर हमें यही पढ़ना है, इस टाइम पर यह पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसलिए आप क्या करना है, आपको फ्लैश कार्ड क्रिएट कर लेना है और चिपका देना अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लगातार ध्यान केंद्रित करने वाले जो फ़ोन, गेम्स, सोशल मीडिया, ध्यान भंग करने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो फ़ोन आपका होता है, गेम्स होते हैं और तरह चीज़ें जो लगातार आपका ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाने नहीं देते, पढ़ाई से मन हटा देते हैं, तो उनको आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, उनको आप अपनी तरफ से दूर कर दीजिएगा कि आपको गेम खेलना है, आपको फ़ोन बहुत यूज़ करना है। हाँ, फ़ोन चलाएं उतना, जो कि फ़ोन देखिए क्या है, फ़ोन आपको उतनी यूज़ करना है कि फ़ोन आपका अभिशाप भी है, फ़ोन आपके लिए वरदान भी है, तो सेम उसी तरीके से आपको वरदान साबित करने के तौर पर यूज़ करना है, ना कि अभिशाप के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्या ना करें, इस टाइम आपको करना क्या नहीं है, ये देखना है क्या करना है। कई बार परीक्षा में पिछले साल के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इससे पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र अच्छी तरह से साल भर के, ठीक है। अब क्या करना है कि इस टाइम आपको ये काम नहीं करना है कि आप परीक्षा जो पिछले पेपर उसको ना देखें, तो पिछले साल के पेपर को सॉल्व करें, मतलब ये काम करें, या पिछले साल के पेपर को सॉल्व ना करें या देखें ना, तो ये गलती ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। फिर क्या है, दिसंबर या ज़्यादा ज़्यादा जो आपका जनवरी हो सकता है, जनवरी शुरुआत या जनवरी आपकी चल रही है, तो इस मतलब यहाँ तक के जो सिलेबस होता है समय तक पूरा कर लें, और जिससे कि आपको रिवीजन का फुल टाइम मिल जाता है, तो आप जनवरी में अगर पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं तो आप आगे जो भी बच रहा है टाइम, इन टाइम में आप रिवीजन कर लेना है आपको, तो ये काम जरूर कर लेना है कि जनवरी तक तो आपको ख़त्म ही कर देना है, 10-15 दिन आपको सिलेबस रिवीजन के लिए। किसी भी टॉपिक को कोई डाउट होने पर अपने टीचर से या सीनियर से गाइड लें, जो भी आपको डाउट हो रहे हैं आप कहीं पर भी यूट्यूब पर या कहीं पर भी कमेंट करके, या अपने टीचर से, अपने कोचिंग टीचर या अपने स्कूल वाले टीचर से आप उसको संपर्क करिए और उसका गाइडेंस लें और उसको समझें, अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन पाएँ, ओके, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, बेहतर रहेगा कि आप देर रात तक पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करते समय अपनी झपकी आने पर रेस्ट लें, मतलब आपको देर रात तक, मैंने बोला पढ़ाई मत करें, और देर रात तक पढ़ने से अगर आपको नींद आ रही है तो आप नींद लें, ये बात करना है। ज़बरदस्ती कुछ पढ़ोगे तो मेमोरी में फिट नहीं होगा, ज़बरदस्ती कुछ भी पढ़ोगे तो आपको मेमोरी फिट नहीं होगा, मैंने अभी बताया इसके पहले। तो मूड फ्रेश करने के लिए 20-25 मिनट का स्टडी सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेकअप लें, ये बात मैंने बताया। पढ़ाई करते समय गाने सुने ना सुने, इसका ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई करते समय ध्यान आपको नहीं देना है, भटक सकता है दिमाग। और अपना फ़ोन दूर रखें, ब्रेक में आसपास कहीं टहल लें, ब्रेक में कहीं आसपास टहल लें, तो ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। उससे पहले मैं और पॉइंट्स बता देता हूँ, अब आपको फिर क्या करना है, जो आपने पढ़ा मैथ में, आपको जो पढ़ा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके बड़े क्वेश्चन बाद जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे तो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो बड़े क्वेश्चन जो 5 नंबर 6 नंबर होते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, बहुत अधिकतर ऐसा होता है। तो आप अपने पेपर को, मॉडल पेपर को उठाएंगे तो जो भी चीज़ें आपको मॉडल पेपर में आपको मिलेंगी, अच्छे अच्छे कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा, तो उससे आपके काम चल जाएगा, ठीक। तो एक बार पूरा रिवीजन करिएगा पूरा अच्छे तरीके से, और एग्जाम देने जाना और एकदम फ्रेश होकर जाना, पूरी तैयारी कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदर सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। बेसिक मैंने सिखाया है सभी चीज़ें, इंग्लिश की और मैथ की सभी बेसिक मैंने सिखा चुका हूँ, तो प्लीज़ जरूर एक बार देखिएगा प्लेलिस्ट, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ओके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिएगा और
और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस HD चैनल पर।